नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 29 अप्रैल। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। कोविड 19 के नए मामले सामने आने के बाद बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा 366 पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जहानाबाद, मुंगेर और बक्सर से नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कोविड 19 के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना की जद में अब नए जिले भी आने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को और तेज करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी करवाया जा रहा है। बिहार में ईंटों की खुली बिक्री का आदेश किया गया जारी। बिहार में ईंटों की बिक्री का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं कुछ दिनों पहले सरकार ने निर्माण कार्य को ढील देने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब ईंटों की बिक्री की भी अनुमति दे दी गई है। जिसकी जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग के डायरेक्टर अरुण प्रकाश ने देते हुए यह बताया है कि ईंट भट्टा संचालकों के निर्माण के बाद उसे खुले बाजार में बिक्री के लिए भेज सकते हैं। सरकार ने इसके पहले केवल ईंट भट्टा संचालन का आदेश दिया था, लेकिन अधिकतर जिलों में स्थानीय प्रशासन की बिक्री पर रोक लगा दी थी। वहीं सरकार के अब फैसले के बाद ईंट की बिक्री आसानी से की जा सकेगी। बिहार से बाहर आने वाले लोगों का हर हाल में होगा जांच। बिहार में कोविड 19 के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने सख्त से सख्त कदम उठाने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने अपने फैसले में संशोधन करते हुए बंद के दौरान दूसरे राज्यों से आए लोगों को बिना आइसोलेशन में डाले हुए गांव में प्रवेश नहीं करने का ऐलान जारी कर दिया है। जिसको लेकर के पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन जारी कर दिया है। वहीं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार दूसरे प्रदेश में बिहार आ रहे लोगों को हर हाल में समीप के आइसोलेशन में डालने का प्रबंध करवाने का आदेश जारी किया गया है, ताकि कोरोना के फैलते असर को रोका जा सके। कोटा मामले पर एक बार फिर से टली सुनवाई। जहां एक तरफ बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोटा से छात्रों को ना बुलाने के आदेश पर जवाब तलब करने की अपील की थी, साथ ही सुनवाई की तारीख को 28 अप्रैल तय किया था, वहीं अब कोटा से संबंधित सुनवाई की तारीख को आगे टाल दिया गया है। खबरों की माने तो अब नई सुनवाई 5 मई को होगी। कोटा में फंसे बिहारी छात्र के अभिभावक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर छात्रों को वापस बुलाने की मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। वहीं राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में इन छात्रों को बंद में वापस लाने के बारे में सोच विचार किया जा सकता है, हालांकि अभी उन्हें वापस लाना संभव नहीं है। 7 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से भेजे गए घर। बिहार में लगातार कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच बेगूसराय से एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत बेगूसराय जिले के 9 में से 5 मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, जिसमें से बीते दिन बेगूसराय के 3, वहीं सिवान के 4 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोविड 19 की इस परीक्षा में पास हुए 7 लोगों को घर भेज दिया गया है। उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सेल्फ आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। इसकी जानकारी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह भी बताया है कि डिस्चार्ज में सभी मरीजों को हर्षोल्लास के साथ विदाई दी गई है। पटना समेत कई जिलों में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश। पटना सहित बिहार के कई जिलों में आने वाले 3 दिनों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 2 मई के बाद तेज धूप से तापमान में वृद्धि होगी और उमस भरी गर्मी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में बारिश के हालात बने होंगे। इसके साथ ही पटना सहित बिहार के कई जिलों में 22 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से बारिश के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला है, साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी गई है। रिटायर शिक्षकों की फिर से होगी नियुक्ति। बिहार में सभी रिटायर शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सभी रिटायर शिक्षकों को एक बार फिर से नियुक्ति करने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत राज्य के सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल के साथ साथ हाई स्कूल और प्लस 2 कक्षा में एजुकेशन का लेवल सुधारने के लिए सरकार अब रिटायर हो चुके शिक्षकों की मदद ले रही है। शिक्षा विभाग के इस फैसले पर सरकार ने भी अपनी सहमति जता दी है। वहीं इस संबंध में एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 30,000 से ज्यादा पदों पर नियोजन की प्रक्रिया को भी कर दिया है, लेकिन कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अररिया में हवलदार से उठक बैठक करवाने वाले मनोज कुमार को किया गया सस्पेंड। बीते दिन अररिया में हवलदार से कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा उठक बैठक करवाए जाने के मामले के बाद सरकार सख्ते में आ गई थी, जिसके बाद वहां मौजूदा दरोगा को तो काम से निकाल दिया गया था, मगर मनोज कुमार को काम से नहीं निकाला गया था। भैया मनोज कुमार पर सख्ती से पेश आते हुए उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने मनोज कुमार को बचाने के लिए सभी प्रयास को गलत साबित करते हुए निलंबित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। कांग्रेस ने की पंचायत स्तर पर स्क्रीनिंग करने की मांग। बिहार कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी ब्रिजेश कुमार पांडे समेत कांग्रेस नेता ललन कुमार ने बीते दिन कोरोना की जांच को प्रखंड व पंचायत स्तर पर थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा किए जाने की अपील की है, जिसकी शुरुआत लक्षणों में कोविड 19 से प्रभावित व्यक्तियों का पता चल सके। कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग करते हुए यह कहा है कि वार्ड एवं पंचायत स्तर में प्रथम स्क्रीनिंग से कोविड 19 प्रभावित मरीजों की जांच की जाएगी, क्योंकि कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए शुरुआती लक्षणों में स्क्रीनिंग करके ही इसके रोकथाम का प्रयास किया जा सकता है।
मनोज बाजपेयी ने जसबीर जस्सी की कविता को दी अपनी आवाज। बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी ने जसबीर जस्सी की एक कविता को, जिसका शीर्षक कुदरत था, उसको अपनी आवाज दी है। इस पंजाबी कविता का हिंदी अनुवाद प्रशांत ने किया है। वहीं जसबीर ने कविता के पंजाबी संस्करण को अपनी आवाज दी है। आपको बता दें, मनोज बाजपेयी की आवाज में जारी की गई यह कविता प्रकृति के प्रति उनके लापरवाह रवैये के बारे में सोचने का आग्रह करती है। इस बारे में मनोज ने कहा कि इंसानों ने खुद को बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना सीखा और कठोर मौसम को अपने अनुकूल बनाया, लेकिन जीवित रहने के इस दौर में उसने अनजाने में इस धरती से अपने संबंधों को तोड़ दिया है। आसानी से ये भूल जाते हैं कि उसने क्या छोड़ा है। यह समय मां प्रकृति के ठीक होने का है। देश के हर कोने में पहुंचाई जाएगी शाही लीची। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण जहां बिहार में बंद का ऐलान किया गया, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादकों की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि बंद के कारण लीची की बिक्री होने में कमी आने की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद सरकार ने शाही लीची समेत अन्य मौसमी फलों के उत्पादक व खरीदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप बनाया है, जिससे अब देश के हर कोने में उत्पादक व कारोबारियों को जोड़ा जाएगा। वहीं कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्पादकों और कारोबारियों से बात भी की है, जिससे कि अब उन सभी फलों को देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया जाएगा। आज होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर बिहार में कोविड 19 की वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा होगी। साथ ही आने वाले समय में बंद के फैसले को आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने पर सोच विचार किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बंद के दौरान किन क्षेत्रों में ढील देने की जरूरत है, इस बात पर भी सोच विचार कर सकते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। बिहार में कोविड 19 की हालत दिन प्रतिदिन हो रही है खराब। जहां बिहार में कोविड 19 के बढ़ते स्तर को कम माना जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिहार में कोविड 19 की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में बिहार का आंकड़ा 350 को पार कर चुका है, जिसके बाद बिहार कई राज्यों को छोड़कर 14 नंबर पर अपना स्थान बना चुका है। हालांकि इन राज्यों में बिहार की तुलना में जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा है, मगर बिहार में कोविड 19 से प्रभावित व्यक्तियों के आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद बिहार सरकार भी सकते में। वहीं हॉटस्पॉट इलाके को सैनिटाइज करने, साथ ही वहां पर लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद करवाने का आदेश जारी किया गया है। बिहार में विदेशी सब्जी की खेती करने वाले किसानों को बीज में मिलेगा 90% अनुदान। बिहार के सभी किसानों के लिए एक अहम सूचना। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने विदेशी सब्जी की खेती करने वाले किसानों को बीज में 90% अनुदान देने का ऐलान जारी किया है। एक मीडिया हाउस की बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार विदेशी एवं उन्नत सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सहायता योजना चला रही है। इसके तहत पौधों और बीज पर 90% अनुदान दिया जाएगा, जिससे कि एक पौधे की कीमत अगर 10 रुपए है तो कृषि विभाग उसे 1 रुपए में उपलब्ध करवाएगी, और जो सब्जी के पौधे की कीमत 3 रुपए है उसे विभाग 30 पैसे में किसानों को उपलब्ध करवाएगी। बीपीएससी में 14वां रैंक लाने वाली बिहार की बेटी ने जेपीएससी में किया टॉप। बीपीएससी में 14वां रैंक लाने वाली बिहार की बेटी ने जेपीएससी में टॉप किया है। उन्होंने अपनी मेहनत से न केवल बिहार झारखंड में ही अपनी प्रतिभा का झंडा बुलंद किया है। बिहार लोक सेवा आयोग में अपना परचम लहराने वाली बिहार के झारखंड में भी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, अंकिता राय मूल रूप से सासाराम के शिवसागर प्रखंड के मैदानी सोनवर्षा गांव की रहने वाली है। वहीं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में ओवरऑल टॉपर बनी है। इसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है और उनकी इस उपलब्धि से उनके परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ रही है। पटना में आरोग्य सेतु ऐप ने कोविड 19 पॉजिटिव युवक की पहचान की। जिन लोगों ने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, उन लोगों के लिए यह खबर कुछ खास है। पटना में हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप की मदद से न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहने वाले युवक की पहचान की गई थी, जो हाल ही में जयपुर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वापस लौटा था, जिसके बाद उसके कुछ दिनों पहले ही इस ऐप को डाउनलोड किया था और उसने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी साझा की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम उस तक पहुंची और उसका सैंपल टेस्ट के लिए लिया गया, जिसके बाद उस युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी बार बार आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। वहीं अब तक कई लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया उन लोगों को भी डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। बिहार सरकार ने पुराने नियमों में ढील देने का दिया आश्वासन। बिहार सरकार ने पुराने नियमों में ढील देने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत 3 मई को बंद के आदेश के बाद बिहार सरकार ने मनरेगा सहित मिट्टी से जुड़े तमाम कार्य में छूट देने का ऐलान जारी किया है। जिसके तहत एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इसके पहले जब परिस्थिति अनुकूल हो गई थी तब नियमों में ढील दी गई थी। इस बार कोविड 19 की वजह से जो समस्या खड़ी हुई है उसकी वजह से नियमों में ढील दी जा सकती है। वहीं बिहार के जाने माने अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी ने भी बिहार सरकार के इस फैसले की सराहना की है।
AES के बढ़ते असर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बैठक। AES के बढ़ते असर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बैठक की है, जहां पर मुजफ्फरपुर में 100 बेड का ICU बनाने का निर्देश जारी किया गया है। जहां एक तरफ बिहार में लगातार COVID-19 के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं अब AES के कई मामले देखने को मिले हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके संबंधित जिलों के DM को रिपोर्ट ली है और कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कैमूर में 3 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। COVID-19 वर्तमान समय में बिहार में बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं इसकी चपेट में अब कैमूर जिले के 3 पुलिसकर्मी भी आ गए हैं, जिसके बाद पुलिस विभाग ने तुरंत आइसोलेशन में डाल दिया गया है। वहीं 30 पुलिसकर्मियों के सैंपल की जांच के लिए भेज दिया गया है। खबरों की माने तो पुलिस विभाग द्वारा इनके आने के तुरंत बाद आइसोलेशन में डालने से संक्रमण फैलने से रुक गया है। एहतियात के तौर पर SP के निर्देश पर पुलिस लाइन को सैनिटाइज कराया गया है। वहीं SP दिलनवाज अहमद ने बताया कि कुछ लोग छुट्टी पर गए हुए थे, वहीं छुट्टी से आने के बाद इन लोगों को तुरंत आइसोलेशन में डाल दिया गया। वहीं सैंपल की जांच के लिए भेजा गया तो उसमें से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से लगाई गुहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से गुहार लगाते हुए बिहार के 89,000 नियोजित शिक्षकों के वेतन को स्वीकृति देने की अपील की है, जिसके तहत बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के सामने 151,48,00,000 रुपए की प्रतिपूर्ति करने की मांग की है। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत की है। प्रशांत किशोर ने बातों बातों में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। जदयू से निकाले गए नेता व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में बंद की वजह से फंसे बिहार के हजारों लोगों की दशा दयनीय बनी हुई है, लेकिन लॉकडाउन की मर्यादा में बंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास सबके लिए एक ही समाधान है कि फंसे हुए कुछ लोगों को 1,000 रुपए का अनुदान राशि दे दिया जाए। अब इस उदारता के लिए हम सबको जीवन भर उनका आभारी होना चाहिए। आपको बता दें, विपक्षी दल लगातार कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाने अपील कर रहा है। हालांकि सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के संशोधन के बाद इस पर फैसला लेने का ऐलान जारी किया है। संक्रमितों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए कलाई पर आरोग्य सेतु बैंड को लगाने का जारी किया गया आदेश। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने IT मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोरोना प्रभावित व्यक्तियों को आइसोलेशन में भेजे गए लोगों की कलाई पर आरोग्य सेतु आधारित बैंड लगाने का सुझाव दिया है, ताकि उनके शरीर के तापमान और COVID-19 के लक्षण और मूवमेंट की ट्रैकिंग मॉनिटरिंग की जा सके। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी दी है कि शीघ्र आयोग ऐप स्मार्टफोन के साथ साथ फीचर फोन पर भी डाउनलोड किया जा सकेगा। वहीं सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बिहार में अब तक 38,00,000 लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है, जिनमें पटना सर्वाधिक 5.62 लाख के साथ सबसे ऊपर है। भाजपा नेता ने प्रशांत किशोर को दी चुनौती। बीते दिन जहां प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कोटा का मामला उठाया था, वहीं अब उसके जवाब में BJP प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार COVID-19 के खिलाफ शर्मनाक तरीके से पूरी तरह फेल साबित हुई है। वहीं तबलीगी जमात की जांच, स्क्रीनिंग और आइसोलेशन में रखने तो दूर उनकी पहचान तक नहीं की जा सकी है, जिसके बाद ही प्रशांत किशोर वहां पूरी स्थिति को संभाले गए हैं। खैर, हम लोगों ने तो यह मान ही लिया है कि प्रशांत किशोर से बड़ा राजनीतिक दलाल इस देश में कोई नहीं है। प्रशांत किशोर वैसे तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल की सरकार से पैसे लेते हैं, मगर उनके बारे में बयान देते देखे नहीं गए हैं। वह सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए बिहार सरकार पर बयान दे रहे हैं। भाजपा सांसद ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोटा से छात्रों को वापस लाने की गुहार। विपक्षी दलों के बाद भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए कोटा के सभी छात्रों को वापस बुलाने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोटा सहित देश के अन्य भागों में फंसे बिहार के छात्रों को बिहार में लाने के लिए कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। यह बात सही है कि बंद की स्थिति में छात्रों को बिहार लाने के मामले में सरकार के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं। कई राज्यों ने अपने अपने छात्रों को कोटा से बुलाया है। उसी को देखते हुए बिहार के छात्र छात्राओं और अभिभावकों में यह मांग उठी है कि बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीच का रास्ता ढूंढने की जरूरत है। अश्विन ने महेंद्र सिंह धोनी को चुना T20 विश्व कप का सबसे मुश्किल बल्लेबाज। भारतीय टीम के विगत स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम से लाइव के दौरान T20 विश्व कप में सबसे मुश्किल बल्लेबाज के नाम पूछे जाने पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 2019 में टीम इंडिया के लिए खेलते समय उनका सीजन बहुत अच्छा जा रहा था। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि धोनी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे मुश्किल बल्लेबाज है, खासतौर पर वह अंत के ओवरों में विशेषज्ञ बल्लेबाज है। धोनी ने रनों का पीछा करते हुए अपनी अलग ही पहचान बनाई है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अंश लोहार, रविंद्र केसरी, अनमोल कुमार, चंदा चौधरी, मसूर आलम, अंकित कुमार, ओम कुमार वर्मा, कुंदन कुमार, शिव कुमार, विश्वास बलवान, शैलेंद्र, विजय कुमार शाह, टेक्निकल वाईफाई, आशुतोष कुमार, रितेश कुमार, राहुल कुमार, दिलीप कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके राय के अनुसार बिहार में बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिव की संख्या का मूल कारण क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।